हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों में और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं निकला हुआ हूँ विंटर केदारनाथ यात्रा में और साथ में मैं जाने वाला हूँ विंटर चारधाम यात्रा में। और मैं निकला हुआ था अपने घर से और बहुत सारी यात्राएं हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं, जाके देखिएगा। मैंने आपको दर्शन कराए हैं अनुसुईया माता जी के, अत्री मुनि जी की गुफा के, और परिक्रमा कराई है एकमात्र एक ऐसे स्थान में कि जहाँ पर माँ गंगा की परिक्रमा होती है। फिर मैं आपको लेके गया महादेव के दूसरे केदार तुंगनाथ में, और फिर उसके बाद मैंने आपको दर्शन कराए चंद्रशिला में माँ गंगा के मंदिर के, और उसके बाद मैं आपको लेके गया औली के ऊपर जो गरसु बुग्याल में एक चमत्कारी मंदिर है वहाँ पर, और उसके बाद मैं आपको लेके गया भविष्य बद्री, और अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक चमत्कारी जगहों के, एक चमत्कारी कुंड के जहाँ पर निकलता है हुआ है खौलता हुआ पानी। बहुत ही रहस्यमय जगह है दोस्तों। ये जगह पड़ती है तपोवन के पास में, जो सिमट से लगभग 20 किलोमीटर आगे। एक तो दोस्तों तपोवन का कुंड है, पर तपोवन के कुंड से 5 किलोमीटर आगे एक और कुंड पड़ता है जो है बहुत ही रहस्यमय। तो मैं लेके चलता हूँ आपके, दर्शन कीजिए और इस पवित्र स्थान के साक्षी बनिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद ये है बहुत ही रहस्यमय और चमत्कारी कुंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है मुल्तानी मिट्टी। आपने देखे होंगे दोस्तों, बहुत जगह आपको ऐसे गर्म पानी के कुंड मिल रहे होंगे, पर ऐसा जो अद्भुत ये जो गर्म पानी का कुंड है ना, ये उन सब में अलग है। यहाँ पर जो पानी है वो खोलता हुआ ऊपर को आता है, इतना गर्म होता है कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी खासियत यह है कि यहाँ पर जो मिट्टी निकलती है ना, जिसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, वो प्योर होती है। शायद ही ऐसे कहीं पर देखा, बद्रीनाथ में भी है, गंगनानी में है, तपोवन में है, पर इतनी जो मुल्तानी मिट्टी निकलती है ना, ये कहीं नहीं निकलती दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये देखिए, इतना गर्म पानी है ना दोस्तों, हाथ लगाने में पूरा ये हाथ पूरा जल रहा है। आप इसको सीधे हाथों से नहीं छू सकते हैं, इतना गर्म ये पानी का है। ये देखिए, पूरा उबलता हुआ खोलता हुआ ये निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। बहुत ही रहस्यमय जगह है दोस्तों, पूरे बुलबुले उठ रहे हैं यहाँ पर, इतना ये गर्म है। और जो दोस्तों ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है ये बहुत ही अच्छे रहती है फेस वॉश के लिए। और महिलाएं इसको, जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो मिलावटी होती है, पर ये जो मिट्टी है, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये प्योर मुल्तानी मिट्टी है। आप लोगों को ये मिट्टी कहीं पर नहीं मिलेगी, ये जो मिट्टी है ये प्योर मुल्तानी मिट्टी है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये चाहिए, मैं कुछ यहाँ से लेके जाऊँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के गिफ्ट के तौर पर मैं आपको ये दे सकता हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी बहुत ही खूबसूरत जगह ही है दोस्तों, आप यहां पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। खूबसूरत से यहां पर बर्फ़ के पहाड़ आपको मिलेंगे और साथ में आपको मिलेगी ये खोलता हुआ गर्म पानी का कुंड। ये देखिए, इसके ढेर आपको मिट्टी के ढेर जो है हर जगह, आओ ये देखिए कितनी प्योर है दोस्तों। सनबर्न हो रहा है आपको फेस में, पिम्पल्स हैं वो सब में बहुत काम आती है। इतना गर्म है ना दोस्तों, हाथ पूरा जल रहा है। ये सब मिट्टी खट्टी हुई है दोस्तों, और इसको निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत ही गर्म पानी है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी ये निकल रहा है दोस्तों। यहाँ पर खोलता हुआ पूरा। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आपको जोशीमठ आना पड़ेगा, और जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर आगे पड़ता है ये। पहले आपको तपोवन मिलेगा, तपोवन में भी गर्म पानी है पर इतना गर्म पानी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर निकल रही है, ये आप आवाज़ सुनिए इस जगह पर, पूरा
कैमरे के ऊपर भी पूरा भाप जम जा रहा है, इतना गर्म है पानी की कुंड है। तो ये है जो ये क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, ये नारायण भगवान का कहलाता है, महादेव का निवास स्थान है, नारायण भगवान यहाँ पर निवास करते हैं। तो देवों की भूमि है दोस्तों, ये बहुत ही साक्षात यहाँ पर महादेव ने, नारायण भगवान ने यहाँ पर तपस्या करने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं बना के रखी हुई हैं। यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बहुत ठंड होता है, उनके लिए वो यहाँ पर अच्छे से स्नान कर पाएँ उसके लिए ये व्यवस्था भगवान ने बना के रखी हुई है। ये दिव्य और चमत्कारी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही देखने के लिए मिलेगी, देवभूमि में देखने के लिए मिलेगी। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, या आपने यहाँ पर आए हुए हैं तो भी आप बता सकते हैं कि क्या इसका महत्व है, कमेंट कर सकते हैं आप। जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही शुद्ध पानी होता है। इसके स्नान करने से, एक बार जो इसके पानी से स्नान कर लेता है, उसके जो चर्म रोग होते हैं, जो उसके शरीर पर त्वचा वाले जो रोग होते हैं, उसको चर्म रोग कहते हैं दोस्तों, वो ख़त्म होते हैं। और साथ ही जो ये मुल्तानी मिट्टी है, अगर इससे आप अपने फेस पे लगाते हैं, अपने हाथ पैरों में लगाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, तो आपकी जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। अगर किसी को त्वचा रोग है, खुजली है, पिंपल्स होते हैं, या कुछ और दांत खाज की खुजली के ऐसी कुछ भी और भी बीमारी है, घाव हो रहे हैं हाथ पैरों में, वो भरते नहीं हैं, तो इसका अगर आप यूज करेंगे ना, तो गारंटी के साथ में आपका वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जगह जो है, ये अद्भुत जगह है और चमत्कारी जगह है, दिव्य जगह है, ऐसी जगह देखने के लिए बहुत ही कम मिलती है। अब मैं आपको मुल्तानी मिट्टी दिखाता हूँ दोस्तों, निकालना बहुत मुश्किल है दोस्तों। हम सोचेंगे कि हम मुल्तानी मिट्टी इतनी आसानी से निकाल लेंगे, नहीं, क्योंकि इतना गर्म ये होता है ना, इस पर हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है। देखो मैंने हाथ से निकाला हुआ था, तो ये मुल्तानी मिट्टी है दोस्तों। इसको गर्म इतना ज़्यादा है ना, ये इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ये बह रहा है गर्म पानी, ये यहाँ पर वो वहाँ से निकल रहा है दोस्तों, और ज़मीन इतनी ठंडी है और ये इतना गर्म हो रहा है। तो ये है महादेव और नारायण के इस पवित्र भूमि का जो राज है, वो हर किसी के समझ में नहीं आ सकता। जो मानता है भगवान को, जो आस्था रखता है इस पवित्र जगह में, वही समझ सकता है कि क्या इस सब का महत्व होता है। तो दोस्तों ऐसे ही पवित्र स्थानों के दर्शन मैं आपको कराता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये मिट्टी यहाँ की चाहिए, इस गर्म कुंड की मिट्टी चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया हुआ है, बायो में भी दिया है, मैंने स्क्रीन में भी दे दूँगा, तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, प्रसाद के तौर पे मैं वो आपको भेंट कर सकता हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मेरी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे साथ जुड़ते रहिए, ताकि मैं ऐसे अद्भुत ये जो दृश्य है ये आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।